जो देखते हैं कि माशरे में जुल्म हो रहा है लेकिन कुछ नहीं करते। मुसलमान 1000 साल तक दुनिया की सुपर पावर बने रहे, क्योंकि दुनिया के अजीम लीडर अल्लाह के हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में एक अदल और इंसाफ का कानून लेके आए। एक कौम ऊपर जाती है जब उस कौम में इंसाफ होता है, और दूसरी चीज एक कौम को जो चीज ऊपर लेके जाती है उसे कहते हैं अखलाकियात। मतलब कि कौम में अच्छे और बुरे की तमीज होती है। जब मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि कौम कैसे मरती है, मौलाना रूमी ने कहा जब वो कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है कौम मर जाती है। और जो अब मेरी ख्वाब है वो पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान वो रियासत बने जो इसको बनना चाहिए था, ये ख्वाब है। लेकिन अल्लाह ने सारी मेरी ख्वाबें आज तक पूरी की और इंशाल्लाह ये भी करेगा। लेकिन ये ख्वाब तब पूरी होगी जब आप पाकिस्तानी कौम मेरे साथ होगी। किसी ने मेरे से पूछा कि इमरान खान तुम्हें अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी है, क्या समझते हो कि सबसे ज्यादा तुम्हारी कामयाबी क्या है? सबसे बड़ी कामयाबी क्या है कि मैंने पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया, सोच दी, हौसला दिया कि अपने हकूक के लिए खड़े हो, कि मैंने कौम को एक आजाद कौम बनाने की कोशिश की। मैं आज आप सबके सामने एक बात कहना चाहता हूं, कितने वजीर आजम आए, कितने गए, कितनों को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी जो आपने मुझे इज्जत दी है। मैं जब अपने अल्लाह के पास जाऊंगा तो मैं अपने अल्लाह को ये कम से कम कह सकूंगा कि मैंने अपनी कौम को उनके हकूक के लिए जगाने की पूरी कोशिश की।